हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर अगस्त 2020 के लिए जीएसटीआर 2B को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सब्सिडी टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहां पे फाइनेंशियल ईयर 2021 चूज़ करेंगे और रिटर्न फाइलिंग पीरियड अगस्त चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट एस क्रेडिट स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B, आप इसे व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जीएसटीआर 2B में देख सकते हैं कि आपको कितना इनपुट एस क्रेडिट अवेलेबल है, ऑल अदर ITC सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर पर्सन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है, B2B इनवाइस रिलेटेड, B2B डेबिट नोट, B2B इनवाइस अमेंडमेंट एंड B2B डेबिट नोट अमेंडमेंट। इसके अलावा इनवर सप्लाई फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और इनवर्स सप्लाई लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिलेटेड और कितना ITC आपको रिवर्स करना है, यानी कि सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट इशू किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ रही है, और कितना ITC आपको अवेलेबल नहीं है उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे ITC नोट अवेलेबल के टाइम में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ GSTR 2B की कट ऑफ डेट देखते हैं तो उस केस में यदि सप्लाई ली गई है उस टैक्स पेयर से जो कि मंथली रिटर्न फाइल करता है या टैक्स पेयर से जो क्वार्टली रिटर्न फाइल करता है, तो जो GSTR फाइल की गई है 12 अगस्त 2020 से 11 सितंबर 2020 के बीच में उनकी डिटेल यहाँ पे आ रही है। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर से यदि ली गई है तो जो भी GSTR 5 फाइल की गई है 12 अगस्त 2020 से 11 सितंबर 2020 तक उसकी डिटेल यहाँ आ रही है। और यदि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से इनवर्ट सप्लाई ली गई है तो जो ISD ने GSTR 6 फाइल की है 12 अगस्त 2020 से 11 सितंबर 2020 तक उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है। फ्रेंड्स, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं PDF समरी में और एक्सेल फॉर्मेट में भी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी कमेंट्री ये रहेगी कि GSTR 2B अगस्त 2020 के लिए भी ट्रायल बेसिस पर ही उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि अभी तक इसे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई नहीं किया है। इसलिए टैक्स पेयर से एडवाइस की जाती है कि वो इसे फीडबैक पर्पज से ही रेफ़र करें और कितना क्रेडिट वो ले रहे हैं अगस्त 2020 के लिए उसे इसके साथ कंपेयर कर लें, और यदि कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो इसके लिए वो GST पोर्टल के सेल्फ सर्विस पोर्टल पर टिक ट्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है तो भी आप पूरा इनपुट एस क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा था कि फरवरी 2020 से अगस्त 2020 के पीरियड के लिए टैक्स पेयर पूरा ITC ले सकता है, लेकिन जब वह सितंबर मंथ के लिए GSTR 3B फाइल करेगा उस वक्त यदि सप्लायर के द्वारा इनवॉइस अपलोड नहीं की गई है तो उस केस में रिसिपियंट सिर्फ 10% का ही ITC ले सकता है जो उसका GSTR 2A में आ रहा है एलिजिबल क्रेडिट का। ये जो कैलकुलेशन है फ्रेंड्स, वो कम्युलेटिवली कैलकुलेट की जाएगी फरवरी 2020 से अगस्त 2020 के लिए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी GST या इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर।